हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बासित अली सादुलपुर में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी पिछली 2 या 3 वीडियो में कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारियाँ आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आज भी मैं उसी से रिलेटेड यानी कोरोना वायरस से ही संबंधित तमाम जो न्यूज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे कि आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेंगी, और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग जितने भी मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्त, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं तमाम जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। दोस्तों, एक न्यूज़ है, इटली में 15,000 से अधिक मौतों के बाद उम्मीद की पहली किरण। दोस्तों, ये BBC न्यूज़ हिंदी का एप्लीकेशन है, इसमें तमाम जितनी भी कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस न्यूज़ को पढ़ लेता हूँ। इस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, लेकिन इस महामारी से सबसे ज़्यादा मौतें इटली में हुई है। ये तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर मौतें कहीं हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, COVID-19 की वजह से, तो वो देश इटली है। आगे लिखा है, इटली के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को भी इस वायरस से 681 लोगों की मौत हो गई है। यानी दोस्तों, अभी भी इटली में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और शनिवार को 681 लोगों की मौत हो चुकी है COVID-19 महामारी से। और कुल मौतों का आंकड़ा यानी टोटल मौतें अभी तक इटली में 15,362 हो चुकी हैं। लेकिन शनिवार को लंबे समय के बाद इटली में उम्मीद की कोई पहली किरण नज़र नहीं आई। इटली में आम लोगों की सुरक्षा करने वाले सिविल प्रोटेक्शन डिवीज़न के मुताबिक देश में ऐसे मरीजों की संख्या में पहली बार कमी देखने को मिली है जिनका इलाज इंटेंसिव केयर यूनिट में चल रहा है। इटली के सिविल प्रोटेक्शन डिवीज़न के प्रमुख एंजेलो बोरेली ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार को इटली के अस्पतालों में क्रिटिकल मरीजों की संख्या 4,068 थी, जो शनिवार को कम होकर 3,994 हो गई है। यानी दोस्तों, इतनी ज़्यादा मरीजों की संख्या कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इनको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या कम हो गई है। आगे लिखा है, एंजेलो बोरेली ने कहा कि यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब क्रिटिकल मरीजों की संख्या कम हुई है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे हमारे अस्पतालों को थोड़ी राहत मिलेगी, उन्हें सांस लेने का मौका मिलेगा। जब से हम लोगों ने आपातकालीन स्थितियों को देखा है, तब से पहली बार क्रिटिकल मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसके बाद दोस्तों लिखा है, इतालवी सरकार ने साइंटिफिक काउंसिल के प्रमुख फ्रांको तोकतेली ने बताया कि क्रिटिकल मरीजों की संख्या में कमी एक अहम संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि इटली ने क्रिटिकल स्टेज को पार कर लिया है। उन्होंने कहा, इससे यह जरूर पता चलता है कि हम जो तौर तरीके अपना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल लिखा है, कारगर हुए उपाय, यानी इटली में नए संक्रमण के मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। यानी हाल फिलहाल में अभी नए मामले बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं इटली में। शनिवार को इटली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2,886 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को दोस्तों 2,886 के आसपास कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों के मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में इटली में कोरोना वायरस की चपेट में 88,274 एक्टिव मरीज हैं। यानी टोटल अभी तक जब से कोरोना वायरस इटली में फैली है उस वक्त से अभी तक टोटल 88,274 लोगों को कोरोना वायरस हो चुकी है, COVID-19 महामारी से वो लोग ग्रसित हो चुके हैं। इसके अलावा 20,996 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि
कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को होती है तो यह बीमारी ठीक नहीं होती है, ऐसा नहीं है। बीमारी 80% तक ठीक हो जाती है, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो यानी इटली में भी 20,996 लोग इस महामारी से अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। लोमार्डी का उत्तरी क्षेत्र इस वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। पूरे देश के संक्रमित लोगों में से 85% इस क्षेत्र से हैं और जितनी मौतें इटली में हुई हैं उनमें से ज़्यादातर इसी इलाके में हुई हैं। इटली में एक इलाका है दोस्तों लोमार्डी, जो उत्तरी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा वायरस से लोग ग्रसित हुए हैं, यानी 85% इस क्षेत्र से हैं। इस इलाके के लोगों को घर से बाहर निकलने पर सुरक्षा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया प्रावधान 5 अप्रैल यानी रविवार से लागू होगा और 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, इटली के उत्तरी हिस्से के दूसरे शहरों यानी वेनेतो और ओल्टो एडिगो में भी लोगों के लिए बाजार या शॉपिंग स्टोर में खरीदारी करने के लिए निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले भी इन इलाकों में एहतियातन कड़े कदम उठाए गए थे। मसलन 15 अप्रैल तक इलाके में सड़कों पर वॉक करने या दौड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। बाइक से भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई थी। सभी पर्यटक स्थलों और होटलों को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई थी। फरवरी से खराब हुए हालात। इटली में पहला केस आने से पहले ही इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जो खास तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए तैयार किया गया था। इटली यूरोपीय यूनियन का पहला ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ विमान सेवाओं को प्रतिबंध किया। अभी पूरे इटली में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन लोम्बार्डी में कुछ ज़्यादा ही सख्ती से प्रावधान लागू कराए जा रहे हैं, जिसके उल्लंघन करने पर लोगों पर 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी दोस्तों, इटली में जो ये इलाका बताया जा रहा है, अगर वहाँ पर लोग नियम कानून को फॉलो नहीं करते, उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन पर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना सरकार लगा रही है। इसके बाद कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने में इटली कामयाब नहीं रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बूते इटली संक्रमण के मामलों का इलाज करता रहा, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल और उसमें बेड सब कम पड़ गए हैं। मानवीय और तकनीक दोनों संसाधनों का संकट उभराया है। वैसे इटली में आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत 20 फरवरी से हुई थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस इटली में 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और अभी तक आप देख सकते हैं कि इनमें इटली में कितनी मौतें हो चुकी हैं। जब एक 38 वर्षीय शख्स ने लोम्बार्डी के कोडगनो कस्बे में अपनी जाँच करवाई, यही जो इलाका मैंने आपको बताया है इसका नाम है लोम्बार्डी, यहीं पर एक 38 वर्षीय शख्स था जिसने अपनी जांच करवाई थी और जांच करवाने के बाद उसे पता चला था कि इसको कोरोना वायरस है, कोविड-19 से वो ग्रसित है। जब जांच रिपोर्ट आई तो यह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। यह इटली का पहला आधिकारिक तौर पर दर्ज कोविड-19 केस था। हालांकि कुछ स्वास्थ्य अधिकारी ये मानते हैं कि इटली में इस वायरस का प्रवेश बहुत पहले हो गया था। यह भी सही है। दोस्तों, इसके बाद एक सवाल आता है सभी भारतवासियों के मन में कि लॉकडाउन कब समाप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक आर्टिकल छपा हुआ है, इसमें जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस आर्टिकल में लिखा है, द संडे एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों का समूह लॉकडाउन हटाने के विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहा है। यानी अभी विचार विमर्श चल रहा है कि लॉकडाउन को हटाना है या फिर नहीं। खबर में कहा गया है कि इस समूह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। दोस्तों, अखबार के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों का समूह यह मान रहा है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। यह दोस्तों एकदम सही बात है कि लंबे समय तक कोई भी देश लॉकडाउन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे देश में आर्थिक स्थिति भी ख़राब होगी और जो मंदी का दौर पहले था और अब इस कारण मंदी का दौर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते। दोस्तों, अखबार के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों का समूह यह मान रहा है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। भारत में 700 से ज़्यादा जिलों में
200 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। यानी भारत में कुल 700 से ज़्यादा जिले हैं और 700 जिलों में से 200 जिलों में संक्रमण पहुंच चुका है कोरोना वायरस का। दोस्तों इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल के बाद भारत में रेल सेवा बहाल होगी या नहीं, उस पर भी फैसला नहीं हो पाया है अभी तक। अखबार के मुताबिक 15 अप्रैल से रेल सेवा के बहाल होने पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए तैयार मंत्रियों के गठित समूह की सलाह के बाद इस पर फैसला होगा। भारत में युवाओं में सबसे ज़्यादा संक्रमण। कोरोना वायरस के बारे में पहले कहा जा रहा था कि इससे बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा खतरा है, लेकिन भारत में इसकी चपेट में युवा लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ये बात दोस्तों आपने भी सुनी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार के अनुसार इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा यानी 41% मरीज 21 से 40 साल के बीच के हैं। वहीं भारत के कुल मरीजों में 83% मरीज 60 साल के कम उम्र के हैं। यानी 83% ऐसे मरीज हैं जो 60 साल से भी कम उम्र के हैं। इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल आया है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका क्यों पिछड़ता दिखाई दे रहा है। तो इसकी पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ के बता देता हूँ। चलो यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको इस न्यूज़ में जितनी भी डिटेल लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें लिखा है, अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आए हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तब से इस वायरस का संक्रमण पूरे अमेरिका में फैल चुका है। आज करीब 3.25 लाख अमेरिकी नागरिकों में इस वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा चुका है। नए कोरोना वायरस से 7,000 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों की मौत हो चुकी है। दोस्तों नए कोरोना वायरस से कम 7,000 से ज़्यादा अमेरिकी लोग मर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों लिखा है, अगर हम ये कहें कि आज अमेरिका इस वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है तो गलत नहीं होगा। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में ये चीन के आंकड़ों से लगभग 4 गुना आगे निकल चुका है। कोरोना वायरस का प्रकोप चीन से ही शुरू हुआ था, अब अमेरिका कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित इटली और स्पेन से भी बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा है कि अभी तक उनके देश में वायरस का प्रकोप अपने उच्चतम स्तर से कई हफ्ते या यूं कहें कि कई महीने दूर है, लेकिन इस महामारी ने अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इस संकट से निपटने में अमेरिका ने जो तौर तरीके अपनाए हैं उनसे अमेरिकी सिस्टम की कई खामियाँ उजागर हुई हैं। हालांकि इस दौरान दुनिया की इकलौती सुपर पावर की कई अच्छाइयां भी सामने आई हैं। आइए अमेरिका की इन्हीं खामियों और उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। पहला है मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति में कमी। जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप अमेरिका में बढ़ा, वैसे वैसे देश के हर कोने से डॉक्टरों और अस्पतालों ने गुहार लगानी शुरू की है कि उनके पास मास्क, दस्तानों, सुरक्षा करने वाले गाउन और वेंटिलेटर्स की कमी है। खास तौर से इस महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में तो इन जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों की भारी कमी की शिकायतें आई हैं। इनसे जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मी जरूरी सामान के लिए परेशान हैं, ताकि वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज भी करें और खुद को इसके संक्रमण से भी बचाए रखें। इसके बाद लिखा है, पर्याप्त मेडिकल संसाधन न होने की वजह से कई अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी हिफाजत के इस्तेमाल हो चुके हैं सामनों को फिर से प्रयोग करना पड़ा, या फिर उनके विकल्प के तौर पर काम चलाओ चीज़ों से काम चलाना पड़ा। वेंटिलेटर्स की कमी के कारण कई राज्यों के अधिकारी
बेहद चिंतित हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि कहीं हालात इतने न बिगड़ जाएं कि उन्हें वेंटिलेटर लगाने के लिए मरीजों का चुनाव करना पड़ जाए, यह तय करने के लिए मजबूर न होना पड़ जाए कि कैसे वेंटिलेटर लगाएं और किसे जाने दें। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वेंटिलेटर की भी अमेरिका में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कमी है और लोग डॉक्टर्स ये सोच रहे हैं कि हम किस मरीज़ को वेंटिलेटर में रखें और किसको नहीं। तो अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुहार करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि आप लोग भी ये जानें, आप लोग भी ये सोचें एक बार ठंडे दिमाग से कि अमेरिका में जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, अगर भारत में इस तरह से कोरोना वायरस फैल जाए तो हमारा क्या होगा, सोचिए एक दफ़ा आप अच्छी तरह से। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अगर आपको बाहर जाना है तो आप मास्क लगाएं, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र से धोएं और हैंड वॉश का उपयोग करें। अगर हैंड वॉश भी नहीं है तो आप गर्म पानी से भी अपने हाथ धो सकते हैं और जहाँ तक हो सके तो अगर आप राख का उपयोग अपने हाथों को धोने में करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि राख का उपयोग पहले के ज़माने में जब हैंड वॉश साबुन नहीं थे तो लोग राख से ही अपने हाथ धोते थे। दोस्तों इसके अलावा एक अनुरोध और किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आपको 5 अप्रैल को 9 बजे रात को 9 मिनट्स के लिए अपने घर की तमाम लाइट्स को बंद करना है और लाइट्स को बंद करने के बाद मोमबत्ती, मोबाइल की टॉर्च और जो भी आपके पास साधन है उसे आप रात को सिर्फ 9 मिनट्स के लिए जलाएं। तो इसके बाद एक आर्टिकल आया दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन आज रात 9 बजे बत्तियां बुझाने से इलेक्ट्रिकल ग्रिड फेल हो सकते हैं। यानी कि इस न्यूज़ में स्पष्ट कहा गया है कि रात को 9 बजे बत्तियां बुझाने से इलेक्ट्रिकल ग्रिड भी फेल हो सकता है। चलो अब हम इसकी पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहां पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि सभी भारतीय नागरिक 5 अप्रैल को शाम 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियां बुझाकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चारों ओर हर व्यक्ति जब एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें ये उजागर होगा कि हम सब एक ही मकसद से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इस अपील से एक सवाल और चिंता पैदा हुई है कि कहीं अचानक बिजली की खपत कम होने और फिर 9 मिनट के अंदर बढ़ने से ग्रिड पर क्या असर पड़ेगा, यह सवाल उठता है दोस्तों। इसके बाद में लिखा दोस्तों, आखिर ग्रिड फेल होने की बात क्यों हो रही है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि अगर अचानक से सभी लाइटें बंद कर दी गई तो इससे ग्रिड फेल हो सकता है, हमारी सभी आपातकालीन सेवाएं बंद हो सकती हैं, जिसके बाद सुचारू ढंग से बिजली आपूर्ति में एक हफ्ते का समय लग सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने लोगों से बिना बत्तियां बुझाए मोमबत्तियां जलाने की अपील की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ऊर्जा क्षेत्र से लगभग 3 दशकों तक जुड़े रहने और मंत्री के रूप में काम करने वाले शख्स के रूप में उन्हें लगता है कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट्स के लिए अंधेरा करने से ग्रिड और उसके संतुलन पर गहरा असर पड़ सकता है और वह उम्मीद करते हैं कि इस बात का ठीक से ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जयराम समेत कई जानकार ग्रिड फेल होने की आशंका क्यों जता रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख के मुताबिक भारतीय दुनिया का ऐसा देश है जहां बिजली की ऊर्जा आपूर्ति प्रतिदिन 150 गीगावाट से ज़्यादा है और पावर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वो संस्था है जो भारत में ऊर्जा की ग्रिड का संचालन करती है। ये संस्था प्रत्येक दिन की मांग का आकलन करके ज़रूरत के मुताबिक बिजली पैदा करने वाले प्लांट से बिजली लेती है। इस प्रक्रिया के तहत पावर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करती है। यह संतुलन 50 हर्ट्ज होता है जिसके अंतर्गत ही बिजली से चलने वाले उत्पाद काम करते हैं। यह संतुलन बिगड़ने की वजह से आपूर्ति ज़्यादा होगी तो हमारे घरों में
वोल्टेज भी वोल्टेज में बढ़ोतरी देखी जाएगी और मांग बढ़ने पर वोल्टेज में कमी देखी जाएगी। बिजली के उत्पादन में कमी आने पर ग्रिड ऑपरेटर को बिजली की कटौती करके आपूर्ति को घटाना पड़ता है, जिससे संतुलन बना रहेगा। बीपीसी ने ऑल इंडिया पावर फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे से इसके तकनीकी पहलू को समझने की कोशिश की है। दोस्तों, शैलेंद्र दुबे बताते हैं कि बिजली एक ऐसी कमोडिटी है जिसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। ऐसे में जितना उत्पादन किया जाता है उसको इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से उत्पादन घटकर 1,20,000 मेगावाट हो रहा है। सामान्य रूप से ये उत्पादन 1,67,000 मेगावाट होता है। ऐसे में रविवार को जब लोग रात 9 बजे अचानक से बत्तियां बंद करेंगे तो ये माना जा रहा है कि खपत में 17,000 मेगावाट की कमी आएगी। जब अचानक से बिजली की खपत कम होती है तो वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है। इससे फ्रीक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज रहती है उसके बढ़ने की संभावना रहती है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होने से ग्रिड फेल होने का खतरा भी उत्पन्न रहता है। इसके बाद दोस्तों लिखा है कि ग्रिड फेल होने की आशंका क्यों है। इसमें इसका जवाब है दोस्तों, भारत में पैदा होने वाली बिजली का 1/3 हिस्सा लोगों के घरों में खर्च होता है, और ये खर्च घरों में एसी, कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रिक ओवन जैसे उत्पादों में खर्च होता है। शैलेंद्र दुबे बताते हैं कि अगर खपत अचानक से कम हो जाए तो ग्रिड फेल होने का खतरा बना रहता है। वे कहते हैं, चूंकि हमें इस बारे में पहले से पता है इसलिए हम लोग इसके लिए पहले से कदम उठा रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। लेकिन एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद अगर बड़े रिहायशी इलाकों में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वालों ने और बहुमंजिला इमारतों ने अति उत्साह में अचानक से मुख्य लाइन को बंद कर दिया तो उसके बाद क्या होगा। इससे पहले इस तरह का उत्साह थाली बजाने की अपील के समय देखा गया था। शैलेंद्र दुबे बताते हैं, ये बात सही है कि अगर लाइटें बंद करने की जगह सामूहिक रूप से बिजली बंद की गई तो जिस खपत का आकलन हम कर रहे हैं खपत उससे ज़्यादा कम हो जाएगी, और वैसी स्थिति में ग्रिड फेल होने का खतरा भी ज़्यादा पैदा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों लिखा है कि ऊर्जा मंत्रालय ने अपने ट्वीट्स में यह स्पष्ट किया है कि बिजली की खपत में आने वाले अचानक बदलाव से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि 9 बजे बत्तियां बुझाए जाने के बाद ग्रिड को संतुलित रखा जा सके। दोस्तों इसके अलावा एक और आर्टिकल यहाँ पर सामने आता है, यानी एक और न्यूज़ यहाँ पर सामने आती है। यह न्यूज़ दोस्तों जयपुर की है। इस आर्टिकल में लिखा है कि कोरोना वायरस, जयपुर की वो जगह जहाँ रहते हैं शहर के 60% संक्रमित मरीज, यानी 60% ऐसे मरीज हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और वो सभी मरीज एक जगह पर रहते हैं। और इसमें एक फ़ोटो भी दे रखी है और लिखा है, रामगंज बाज़ार से बड़ी चौपट के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद है। आर्टिकल में दोस्तों है, राजस्थान में 5 अप्रैल सुबह 9 बजे तक कोरोना वायरस के 210 पॉजिटिव मामलों में अकेले जयपुर से 56 पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मामले रामगंज में हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हैं और बाज़ार बंद हैं। आसमान में परिंदों की जगह ड्रोन नज़र आ रहे हैं। रामगंज से पहले कोरोना पॉजिटिव मामला यहाँ की रहमानिय मस्जिद के पास से मिला था। यहाँ रहने वाले युवक 12 मार्च को ओमान से आया, जिसे लक्षण दिखने पर 25 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया गया। 26 मार्च को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। यही इस इलाके का पहला पॉजिटिव मामला था, लेकिन करीब 3 किलोमीटर के एरिया में 5 अप्रैल तक 36 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमान से जयपुर आने और अस्पताल में भर्ती होने तक वह कई परिचितों और मित्रों से मिला जो अधिकतर पॉजिटिव पाए गए हैं। आदर्श नगर से विधायक आरिफ खान बीबीसी को बताते हैं, मेरी उस शख्स से हर रोज़ बात होती है, वही शख्स जो रामगंज का पहला पॉजिटिव शख्स है। वो कहता है कि मुझे पहले दिन से ही कुछ बीमार फील नहीं हो रही थी, यदि फील होती तो मैं ओमान में आकर यूँ घूमता नहीं, अपने बच्चों और अपने परिचितों के साथ खिलवाड़ नहीं करता।
इसके आगे लिखा है, रामगंज में दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी आबादी है, लेकिन अब कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की है। दोस्तों इसमें नाम का जिक्र नहीं करने की शर्त पर एक स्थानीय महिला कहती हैं कि लोगों में पहले कोरोना वायरस को लेकर ज़्यादा सजगता नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों से लोगों के घरों में खुद ही बाहर निकल रहे हैं। रामगंज निवासी शौकीन खान बताते हैं कि मेडिकल टीम तो ज़रूर पूछताछ करने आई है, लेकिन राशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ बड़ी संख्या में रोज़ कमाकर खाने वाला मजदूर वर्ग है, लेकिन अब ऐसी हालत में भूख से परेशान है और कम जगह में अधिक लोगों के रहने से भी यह परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इसके अलावा पुलिस के सामने भी काफ़ी चुनौतियां हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा है, जयपुर कलेक्टर जोगाराम यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन को किसी बात के भय और चुनौती होने के सवाल पर बीबीसी को बताते हैं कि बाकी कर्फ्यू और इस कर्फ्यू में फ़र्क है। यह हेल्थ को लेकर है, बहुत कंजस्टेड एरिया है और घर आसपास में है, इसलिए बाकी जगह इसे यहाँ थोड़ा चैलेंजिंग है। वो कहते हैं, सील होने से रामगंज में लोगों के घरों तक सामान पहुँचने का मुद्दा है, इसलिए हमने डोर टू डोर सप्लाई की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को बाहर न निकलना पड़े। विधायक रफीक खान कहते हैं कि अभी हमारे सामने दो चैलेंज हैं, एक तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लोगों को बचाना है और दूसरा चैलेंज फूड सप्लाई देना है। वो कहते हैं कि अब चुनौती ये है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कैसे दें। लोगों को मुफ्त में डबल राशन देने की व्यवस्था की है, फूड पैकेट भी बांट रहे हैं। अब सवाल आता है कि वहाँ के स्थानीय लोग मेडिकल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में लिखा है, इस सवाल पर जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा कहते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो घर को लॉक कर देते हैं और जवाब नहीं देते हैं, धीरे धीरे लोगों में समझदारी आएगी, लेकिन पुलिस का समर्थन मिलने के बाद हमें बहुत सफलता मिली है। रामगंज थाना अधिकारी बनवारी लाल कहते हैं, संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा बंदोबस्त है, मेडिकल टीम के साथ बदतमीजी करने वाले शख्स को अरेस्ट किया है। रामगंज के कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 3 युवक गिरफ्तार किए हैं, अफवाहों को रोकना भी एक चुनौती है। और दोस्तों मैं आप सभी से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग झूठी अफवाह कभी भी ना फैलाएं। अगर आप लोग झूठी अफवाह फैलाएंगे तो आप पर एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें आप। वही दोस्तों मस्जिदों में ताला, घरों में पढ़ रहे हैं नमाज। रामगंज में करीब 25 छोटे छोटे मोहल्ले हैं, इनमें हर मोहल्ले में मस्जिद है, लेकिन इन दिनों कोरोना का खौफ लोगों के दिलों में घर कर गया है। लोग दहशत में हैं और प्रशासन की सख्ती ने धार्मिक स्थानों पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है। कोरोना वायरस का खौफ और प्रशासन की सख्ती के बाद लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। छोटे छोटे घरों में रहने वालों की बड़ी संख्या है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए रामगंज में अब घरों में छतों पर और कमरों में ही लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि दोस्तों 27 अप्रैल से रोजे शुरू हो रहे हैं, जिसका इंतज़ार लोग साल भर करते हैं, लेकिन इस बार रोजे और ईद का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इन दिनों रामगंज के बाज़ारों में रौनक हुआ करती थी, रोज़ों की तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बच्चों को भी अपनी ईद नहीं मिलती सी दिख रही है। कैसा है जयपुर का रामगंज? वरिष्ठ पत्रकार
इस मधु तलवार बताते हैं कि रामगंज ने हसरत जयपुरी और शमीम जयपुरी जैसे बड़े बड़े शायर दिए हैं। वो कहते हैं कि गालिब के छोटे भाई आरिफ का ससुराल भी यही है। दिल्ली के बली माराना और कटला की तरह ही संकरी गलियों और यहाँ के बाज़ार जैसा ही माहौल रामगंज में भी नज़र आता है। जयपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रामगंज में ही है, जो सड़कों पर लोगों की भीड़ देखकर ही लगाया जा सकता है। रामगंज के ही एक जानकार बताते हैं कि अधिकतर आबादी यहाँ रहमानिया मुसलमानों की है। ज़्यादातर लोग जूते चप्पल बनाने के काम में जुटे रहते हैं, जबकि घरों में महिलाओं और बच्चों नगीनों का काम भी करते हैं। रामगंज थाना अधिकारी बनवारी लाल बताते हैं कि रामगंज में जनघनत्व बहुत ज़्यादा है। एक मकान में 100 से 150 लोग रहते हैं। यहाँ लोग नगीनों को बेचने के लिए एक देशों में जाते हैं। यहाँ से मिला पहला कोरोना पॉजिटिव शख्स भी नगीनों के व्यापार संबंध में ही ओमान गया था। पुरानी दिल्ली की तरह ही यहाँ खाने के मशहूर होटल हैं, जहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। और इसी के साथ रामगंज में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार का पूरा अमला यहाँ सख्ती के साथ ही भेज चुकाना भी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा बताते हैं कि पूरे प्रकोट में कर्फ्यू के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध है। घरों से बाहर किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा। सो दोस्तों, जयपुर में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, आप लोग भी घर से बाहर ना निकलें। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों को देखने के लिए कि लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर नहीं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है इस मामले में। और इसी को देखते हुए राजस्थान में हर जगह पुलिस स्टेशन से ड्रोन कैमराज को एक्टिवेट किया जा रहा है, और पूरे शहर के अंदर ड्रोन कैमरा से पूरे शहर की वीडियो ग्राफिंग भी हो रही है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग ऐसे न फिरें अपने मोहल्लों में, गलियों में, बिना वजह, बगैर काम अपने घर पर रहें। आप सभी से गुजारिश है, और मैं आप सभी से दोस्तों गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको घर से बाहर जाना है तो मास्क का उपयोग करें, तभी आप घर से निकलें। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसके अलावा एक अनुरोध और किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि आपको 5 अप्रैल को 9 बजे रात को 9 मिनट्स के लिए अपने घर की तमाम लाइट्स को बंद करना है, और लाइट्स को बंद करने के बाद मोमबत्ती, मोबाइल की टॉर्च और जो भी आपके पास साधन है उसे आप रात को सिर्फ 9 मिनट्स के लिए जलाएं। तो इसके बाद एक आर्टिकल आया दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन, आज रात 9 बजे बत्तियां बुझाने से इलेक्ट्रिकल ग्रिड फेल हो सकते हैं। यानी कि इस न्यूज़ में स्पष्ट कहा गया है कि रात को 9 बजे बत्तियां बुझाने से इलेक्ट्रिकल ग्रिड भी फेल हो सकता है। चलो अब हम इसकी पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि सभी भारतीय नागरिक 5 अप्रैल को शाम 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बत्तियाँ बुझाकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च और मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चारों ओर हर व्यक्ति जब एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा, जिसमें ये उजागर होगा कि हम सब एक ही मकसद से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन इस अपील से एक सवाल और चिंता पैदा हुई है कि कहीं अचानक बिजली की खपत कम होने और
फिर 9 मिनट के अंदर बढ़ने से ग्रिड पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल उठता है दोस्तों। इसके बाद में लिखा दोस्तों, आखिर ग्रिड फेल होने की बात क्यों हो रही है? महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि अगर अचानक से सभी लाइटें बंद कर दी गई तो इससे ग्रिड फेल हो सकता है। हमारी सभी आपातकालीन सेवाएं बंद हो सकती हैं, जिसके बाद सुचारू ढंग से बिजली आपूर्ति में एक हफ्ते का समय लग सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने लोगों से बिना बत्तियां बुझाए मोमबत्तियां जलाने की अपील की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ऊर्जा क्षेत्र से लगभग 3 दशकों तक जुड़े रहने और मंत्री के रूप में काम करने वाले शख्स के रूप में उन्हें लगता है कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट्स के लिए अंधेरा करने से ग्रिड और उसके संतुलन पर गहरा असर पड़ सकता है और वह उम्मीद करते हैं कि इस बात का ठीक से ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जयराम समेत कई जानकार ग्रिड फेल होने की आशंका क्यों जता रहे हैं? अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख के मुताबिक भारतीय दुनिया का ऐसा देश है जहां बिजली की ऊर्जा आपूर्ति प्रतिदिन 150 गीगावाट से ज़्यादा है और पावर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वो संस्था है जो भारत में ऊर्जा की ग्रिड का संचालन करती है। ये संस्था प्रत्येक दिन की मांग का आकलन करके ज़रूरत के मुताबिक बिजली पैदा करने वाले प्लांट से बिजली लेती है। इस प्रक्रिया के तहत पावर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन मांग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करती है। यह संतुलन 50 हर्ट्ज़ होता है, जिसके अंतर्गत ही बिजली से चलने वाले उत्पाद काम करते हैं। यह संतुलन बिगड़ने की वजह से आपूर्ति ज़्यादा होगी तो हमारे घरों में वोल्टेज में बढ़ोतरी देखी जाएगी और मांग बढ़ने पर वोल्टेज में कमी देखी जाएगी। बिजली के उत्पादन में कमी आने पर ग्रिड ऑपरेटर को बिजली की कटौती करके आपूर्ति को घटाना पड़ता है, जिससे संतुलन बना रहेगा। बीबीसी ने ऑल इंडिया पावर फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे से इसके तकनीकी पहलू को समझने की कोशिश की है। दोस्तों शैलेंद्र दुबे बताते हैं कि बिजली एक ऐसी कमोडिटी है जिसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। ऐसे में जितना उत्पादन किया जाता है उसको इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन होने की वजह से उत्पादन घटकर 1,20,000 मेगावाट हो रहा है। सामान्य रूप से ये उत्पादन 1,67,000 मेगावाट होता है। ऐसे में रविवार को जब लोग रात 9 बजे अचानक से बत्तियां बंद करेंगे तो ये माना जा रहा है कि खपत में 17,000 मेगावाट की कमी आएगी। जब अचानक से बिजली की खपत कम होती है तो वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है। इससे फ्रीक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज रहती है उसके बढ़ने की संभावना रहती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम होने से ग्रिड फेल होने का खतरा भी उत्पन्न रहता है। इसके बाद दोस्तों लिखा है कि ग्रिड फेल होने की आशंका क्यों है। इसमें इसका जवाब है दोस्तों, भारत में पैदा होने वाली बिजली का 1/3 हिस्सा लोगों के घरों में खर्च होता है और ये खर्च घरों में एसी, कूलर, पंखे, टीवी, फ्रिज और इलेक्ट्रिक ओवन जैसे उत्पादों में खर्च होता है। शैलेंद्र दुबे बताते हैं कि अगर खपत अचानक से कम हो जाए तो ग्रिड फेल होने का खतरा बना रहता है। वे कहते हैं, चूंकि हमें इस बारे में पहले से पता है इसलिए हम लोग इसके लिए पहले से कदम उठा रहे हैं ताकि ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। लेकिन एक चिंता ये भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद अगर बड़े रिहायशी इलाकों में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वालों ने और बहुमंजिला इमारतों ने अति उत्साह में अचानक से मुख्य लाइन को बंद कर दिया तो उसके बाद क्या होगा? इससे पहले इस तरह का उत्साह थाली बजाने की अपील के समय देखा गया था। शैलेंद्र दुबे बताते हैं, ये बात सही है कि अगर लाइटें बंद करने की जगह सामूहिक रूप से बिजली बंद की गई तो जिस खपत का आकलन हम कर रहे हैं खपत उससे ज़्यादा कम हो जाएगी और वैसी स्थिति में ग्रिड फेल होने का खतरा भी ज़्यादा पैदा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों लिखा है कि ऊर्जा मंत्रालय ने अपने ट्वीट्स में यह स्पष्ट किया है कि बिजली की खपत में आने वाले अचानक बदलाव से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि 9 बजे बत्तियां बुझाए जाने के बाद ग्रिड को संतुलित रखा जा सके। दोस्तों इसके अलावा एक और आर्टिकल यहाँ पर सामने आता है, यानी एक और न्यूज़ यहाँ पर सामने आती है।
यह न्यूज़ दोस्तों जयपुर की है। इस आर्टिकल में लिखा है कि कोरोना वायरस जयपुर की वो जगह जहां रहते हैं शहर के 60% संक्रमित मरीज, यानी 60% ऐसे मरीज हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और वो सभी मरीज एक जगह पर रहते हैं। और इसमें एक फ़ोटो भी दे रखी है और लिखा है रामगंज बाज़ार से बड़ी चौपट के बीच आवाजाही पूरी तरह से बंद है। आर्टिकल में दोस्तों है, राजस्थान में 5 अप्रैल सुबह 9 बजे तक कोरोना वायरस के 210 पॉजिटिव मामलों में अकेले जयपुर से 56 पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मामले रामगंज में हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हैं और बाज़ार बंद हैं। आसमान में परिंदों की जगह ड्रोन नज़र आ रहे हैं। रामगंज से पहले कोरोना पॉजिटिव मामला यहाँ की रहमानीय मस्जिद के पास से मिला था। यहाँ रहने वाले युवक 12 मार्च को ओमान से आया, जिसे लक्षण दिखने पर 25 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया गया। 26 मार्च को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। यही इस इलाके का पहला पॉजिटिव मामला था, लेकिन करीब 3 किलोमीटर के एरिया में 5 अप्रैल तक 36 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ओमान से जयपुर आने और अस्पताल में भर्ती होने तक वह कई परिचितों और मित्रों से मिला, जो अधिकतर पॉजिटिव पाए गए हैं। आदर्श नगर से विधायक आरिफ खान बीबीसी को बताते हैं, मेरी उस शख्स से हर रोज़ बात होती है, वही शख्स जो रामगंज का पहला पॉजिटिव शख्स है। वो कहता है कि मुझे पहले दिन से ही कुछ बीमार फील नहीं हो रही थी, यदि फील होती तो मैं ओमान में आकर यूँ घूमता नहीं, अपने बच्चों और अपने परिचितों के साथ खिलवाड़ नहीं करता। इसके आगे लिखा है, रामगंज में दिहाड़ी मजदूरों की बड़ी आबादी है, लेकिन अब कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खाने की है। दोस्तों इसमें नाम का जिक्र नहीं करने की शर्त पर एक स्थानीय महिला कहती है कि लोगों में पहले कोरोना वायरस को लेकर ज़्यादा सजगता नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों से लोगों के घरों में खुद ही बाहर निकल रहे हैं। रामगंज निवासी शौकीन खान बताते हैं कि मेडिकल टीम तो ज़रूर पूछताछ करने आई है, लेकिन राशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ बड़ी संख्या में रोज़ कमाकर खाने वाला मजदूर वर्ग है, लेकिन अब ऐसी हालत में भूख से परेशान है और कम जगह में अधिक लोगों के रहने से भी यह परेशानियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इसके अलावा पुलिस के सामने भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं। यहाँ पर इस आर्टिकल में लिखा है, जयपुर कलेक्टर जोगाराम यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन को किसी बात के भय और चुनौती होने के सवाल पर बीबीसी को बताते हैं कि बाकी कर्फ्यू और इस कर्फ्यू में फ़र्क है, यह हेल्थ को लेकर है। बहुत कंजस्टेड एरिया है और घर आसपास में है, इसलिए बाकी जगह से यहाँ थोड़ा चैलेंजिंग है। वो कहते हैं, सील होने से रामगंज में लोगों के घरों तक सामान पहुँचने का मुद्दा है, इसलिए हमने डोर टू डोर सप्लाई की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को बाहर न निकलना पड़े। विधायक रफीक खान कहते हैं कि अभी हमारे सामने दो चैलेंज हैं, एक तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लोगों को बचाना है और दूसरा चैलेंज फूड सप्लाई देना है। वो कहते हैं कि अब चुनौती ये है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कैसे दें। लोगों को मुफ्त में डबल राशन देने की व्यवस्था की है, फूड पैकेट भी बांट रहे हैं। अब सवाल आता है कि वहाँ के स्थानीय लोग मेडिकल टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों इस आर्टिकल में लिखा है, इस सवाल पर जयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा कहते हैं, अभी कुछ लोग हैं जो घर को लॉक कर देते हैं और जवाब नहीं देते हैं, धीरे धीरे लोगों में समझदारी आएगी, लेकिन पुलिस का समर्थन मिलने के बाद हमें बहुत सफलता मिली है। रामगंज थाना अधिकारी बनवारी लाल कहते हैं,
संवेदनशीलता को देखते हुए पूरा बंदोबस्त है। मेडिकल टीम के साथ बदतमीजी करने वाले शख्स को अरेस्ट किया है। रामगंज के कर्फ्यू को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले 3 युवक गिरफ्तार किए हैं। अफवाहों को रोकना भी एक चुनौती है। और दोस्तों, मैं आप सभी से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग झूठी अफवाह कभी भी ना फैलाएं। अगर आप लोग झूठी अफवाह फैलाएंगे तो आप पर एक कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें आप। वही दोस्तों, मस्जिदों में ताला, घरों में पढ़ रहे हैं नमाज। रामगंज में करीब 25 छोटे छोटे मोहल्ले हैं। इनमें हर मोहल्ले में मस्जिद है, लेकिन इन दिनों कोरोना का खौफ लोगों के दिलों में घर कर गया है। लोग दहशत में हैं और प्रशासन की सख्ती ने धार्मिक स्थानों पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है। कोरोना वायरस का खौफ और प्रशासन की सख्ती के बाद लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। छोटे छोटे घरों में रहने वालों की बड़ी संख्या है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए रामगंज में अब घरों में, छतों पर और कमरों में ही लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, 27 अप्रैल से रोज़े शुरू हो रहे हैं, जिसका इंतज़ार लोग साल भर करते हैं, लेकिन इस बार रोज़े और ईद का उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इन दिनों रामगंज के बाज़ारों में रौनक हुआ करती थी, रोज़ों की तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार बच्चों को भी अपनी ईद नहीं मिलती सी दिख रही है। कैसा है जयपुर का रामगंज? वरिष्ठ पत्रकार इस मधु तलवार बताते हैं कि रामगंज ने हसरत जयपुरी और समीम जयपुरी जैसे बड़े बड़े शायर दिए हैं। वो कहते हैं कि गालिब के छोटे भाई आरिफ का ससुराल भी यही है। दिल्ली के बली माराना और कटला की तरह ही संकरी गलियों और यहाँ के बाज़ार जैसा ही माहौल रामगंज में भी नज़र आता है। जयपुर का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रामगंज में ही है, जो सड़कों पर लोगों की भीड़ देखकर ही लगाया जा सकता है। रामगंज के ही एक जानकार बताते हैं कि अधिकतर आबादी यहाँ रहमानिया मुसलमानों की है। ज़्यादातर लोग जूते चप्पल बनाने के काम में जुटे रहते हैं, जबकि घरों में महिलाओं और बच्चों नगीनों का काम भी करते हैं। रामगंज थाना अधिकारी बनवारी लाल बताते हैं कि रामगंज में जन घनत्व बहुत ज़्यादा है। एक मकान में 100 से 150 लोग रहते हैं। यहाँ लोग नगीनों को बेचने के लिए एक देशों में जाते हैं। यहाँ से मिला पहला कोरोना पॉजिटिव शख्स भी नगीनों के व्यापार संबंध में ही ओमान गया था। पुरानी दिल्ली की तरह ही यहाँ खाने के मशहूर होटल हैं, जहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। और इसी के साथ, रामगंज में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार का पूरा अमला यहां सख्ती के साथ ही भेज चुकाना भी है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा बताते हैं कि पूरे प्रकोट में कर्फ्यू के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध है। घरों से बाहर किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा। सो दोस्तों, जयपुर में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, आप लोग भी घर से बाहर ना निकलें। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों को देखने के लिए कि लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर नहीं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है इस मामले में। और इसी को देखते हुए राजस्थान में हर जगह पुलिस स्टेशन से ड्रोन कैमराज को एक्टिवेट किया जा रहा है, और पूरे शहर के अंदर ड्रोन कैमरा से पूरे शहर की वीडियो ग्राफिंग भी हो रही है।
तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग ऐसे न फिरें अपने मोहल्लों में, गलियों में, बिना वजह, बगैर काम अपने घर पर रहें। आप सभी से गुजारिश है, और मैं आप सभी से दोस्तों गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। अगर आपको घर से बाहर जाना है तो मास्क का उपयोग करें, तभी आप घर से निकलें। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बासित अली सादुलपुर में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी पिछली 2 या 3 वीडियो में कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारियाँ आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, और आज भी मैं उसी से रिलेटेड यानी कोरोना वायरस से ही संबंधित तमाम जो न्यूज़ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे कि आप सभी को यह इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी, और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग जितने भी मैं इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड मैं तमाम जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। दोस्तों, एक न्यूज़ है, इटली में 15,000 से अधिक मौतों के बाद उम्मीद की पहली किरण। दोस्तों, ये BBC न्यूज़ हिंदी का एप्लीकेशन है, इसमें तमाम जितनी भी कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके भी आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस न्यूज़ को पढ़ लेता हूँ। इस आर्टिकल में लिखा है दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है, लेकिन इस महामारी से सबसे ज़्यादा मौतें इटली में हुई है। ये तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर मौतें कहीं हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, COVID-19 की वजह से, तो वो देश इटली है। आगे लिखा है, इटली के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को भी इस वायरस से 681 लोगों की मौत हो गई है। यानी दोस्तों, अभी भी इटली में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और शनिवार को 681 लोगों की मौत हो चुकी है COVID-19 महामारी से, और कुल मौतों का आंकड़ा यानी टोटल मौतें अभी तक इटली में 15,362 हो चुकी हैं। लेकिन शनिवार को लंबे समय के बाद इटली में उम्मीद की कोई पहली किरण नज़र नहीं आई। इटली में आम लोगों की सुरक्षा करने वाले सिविल प्रोटेक्शन डिवीज़न के मुताबिक देश में ऐसे मरीजों की संख्या में पहली बार कमी देखने को मिली है जिनका इलाज इंटेंसिव केयर यूनिट में चल रहा है। इटली के सिविल प्रोटेक्शन डिवीज़न के प्रमुख एंजेलो बोरेली ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार को इटली के अस्पतालों में क्रिटिकल मरीजों की संख्या 4,068 थी, जो शनिवार को कम होकर 3,994 हो गई है। यानी दोस्तों, इतनी ज़्यादा मरीजों की संख्या कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इनको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या कम हो गई है। आगे लिखा है, एंजेलो बोरेली ने कहा कि यह हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण डेटा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब क्रिटिकल मरीजों की संख्या कम हुई है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे हमारे अस्पतालों को थोड़ी राहत मिलेगी, उन्हें सांस लेने का मौका मिलेगा। जब से हम लोगों ने आपातकालीन स्थितियों को देखा है, तब से पहली बार क्रिटिकल मरीजों की संख्या में कमी आई है। इसके बाद दोस्तों लिखा है, इतालवी सरकार ने साइंटिफिक काउंसिल के प्रमुख फ्रांको तोकतेली ने बताया कि क्रिटिकल मरीजों की संख्या में कमी एक अहम संकेत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि इटली ने क्रिटिकल स्टेज को पार कर लिया है। उन्होंने कहा, इससे यह जरूर पता चलता है कि हम जो तौर तरीके अपना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल लिखा है, कारगर हुए उपाय, यानी इटली में नए संक्रमण के मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। यानी हाल फिलहाल में अभी नए मामले बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं इटली में। शनिवार को इटली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2,886 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को दोस्तों 2,886 के आसपास
कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों के मामले सामने आए हैं। मौजूदा समय में इटली में कोरोना वायरस की चपेट में 88,274 एक्टिव मरीज हैं, यानी टोटल अभी तक जब से कोरोना वायरस इटली में फैली है उस वक्त से अभी तक टोटल 88,274 लोगों को कोरोना वायरस हो चुकी है, कोविड-19 महामारी से वो लोग ग्रसित हो चुके हैं। इसके अलावा 20,996 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। यानी ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को होती है तो यह बीमारी ठीक नहीं होती है, ऐसा नहीं है। बीमारी 80% तक ठीक हो जाती है, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो यानी इटली में भी 20,996 लोग इस महामारी से अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। लोमबार्डी का उत्तरी क्षेत्र इस वायरस से सबसे बुरी तरह प्रभावित है। पूरे देश के संक्रमित लोगों में से 85% इस क्षेत्र से हैं और जितनी मौतें इटली में हुई हैं उनमें से ज़्यादातर इसी इलाके में हुई हैं। इटली में एक इलाका है दोस्तों लोमबार्डी, जो उत्तरी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा वायरस से लोग ग्रसित हुए हैं, यानी 85% इस क्षेत्र से हैं। इस इलाके के लोगों को घर से बाहर निकलने पर सुरक्षा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया प्रावधान 5 अप्रैल यानी रविवार से लागू होगा और 13 अप्रैल तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, इटली के उत्तरी हिस्से के दूसरे शहरों यानी वेनेतो और ओल्टो एडिगो में भी लोगों के लिए बाजार या शॉपिंग स्टोर में खरीदारी करने के लिए निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले भी इन इलाकों में एहतियातन कड़े कदम उठाए गए थे। मसलन 15 अप्रैल तक इलाके में सड़कों पर वॉक करने या दौड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। बाइक से भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई थी। सभी पर्यटक स्थलों और होटलों को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर पाबंदी लगा दी गई थी। फरवरी से खराब हुए हालात। इटली में पहला केस आने से पहले ही इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जो खास तौर पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए तैयार किया गया था। इटली यूरोपीय यूनियन का पहला ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ विमान सेवाओं को प्रतिबंध किया। अभी पूरे इटली में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन लोमबार्डी में कुछ ज़्यादा ही सख्ती से प्रावधान लागू कराए जा रहे हैं, जिसके उल्लंघन करने पर लोगों पर 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी दोस्तों इटली में जो ये इलाका बताया जा रहा है, अगर वहाँ पर लोग नियम कानून को फॉलो नहीं करते, उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन पर 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना सरकार लगा रही है। इसके बाद कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने में इटली कामयाब नहीं रहा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बूते इटली संक्रमण के मामलों का इलाज करता रहा, लेकिन इलाज के लिए अस्पताल और उसमें बेड सब कम पड़ गए हैं। मानवीय और तकनीक दोनों संसाधनों का संकट उभरा है। वैसे इटली में आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत 20 फरवरी से हुई थी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस इटली में 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और अभी तक आप देख सकते हैं कि इनमें इटली में कितनी मौतें हो चुकी हैं। जब एक 38 वर्षीय शख्स ने लोमबार्डी के कोडगनो कस्बे में अपनी जाँच करवाई, यही जो इलाका मैंने आपको बताया है इसका नाम है लोमबार्डी, यहीं पर एक 38 वर्षीय शख्स था जिसने अपनी जांच करवाई थी और जांच करवाने के बाद उसे पता चला था कि इसको कोरोना वायरस है, कोविड-19 से वो ग्रसित है। जब जांच रिपोर्ट आई तो यह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। यह इटली का पहला आधिकारिक तौर पर दर्ज कोविड-19 केस था। हालांकि कुछ स्वास्थ्य अधिकारी ये मानते हैं कि इटली में इस वायरस का प्रवेश बहुत पहले हो गया था, ये भी सही है। दोस्तों इसके बाद एक सवाल आता है सभी भारतवासियों के मन में कि लॉकडाउन कब समाप्त होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक आर्टिकल छपा हुआ है, इसमें जितनी भी डिटेल्स है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इस आर्टिकल में लिखा है, द संडे एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों का समूह लॉकडाउन हटाने के विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहा है। यानी अभी विचार विमर्श चल रहा है कि लॉकडाउन को हटाना है या फिर नहीं। खबर में कहा गया है कि इस समूह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। दोस्तों अखबार के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों का समूह यह मान रहा है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता।
यह दोस्तों एकदम सही बात है कि लंबे समय तक कोई भी देश लॉकडाउन नहीं कर सकता, क्योंकि इससे देश में आर्थिक स्थिति भी खराब होगी और जो मंदी का दौर पहले था और अब इस कारण मंदी का दौर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं ज़्यादा देर ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते दोस्तों। अखबार के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों का समूह यह मान रहा है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। भारत में 700 से ज़्यादा जिलों में 200 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है, यानी भारत में कुल 700 से ज़्यादा जिले हैं और 700 जिलों में से 200 जिलों में संक्रमण पहुंच चुका है कोरोना वायरस का। दोस्तों इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल के बाद भारत में रेल सेवा बहाल होगी या नहीं, उस पर भी फैसला नहीं हो पाया है अभी तक। अखबार के मुताबिक 15 अप्रैल से रेल सेवा के बहाल होने पर अभी तक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए तैयार मंत्रियों के गठित समूह की सलाह के बाद इस पर फैसला होगा। भारत में युवाओं में सबसे ज़्यादा संक्रमण। कोरोना वायरस के बारे में पहले कहा जा रहा था कि इससे बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा खतरा है, लेकिन भारत में इसकी चपेट में युवा लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ये बात दोस्तों आपने भी सुनी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार के अनुसार इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके मुताबिक कहा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा यानी 41% मरीज 21 से 40 साल के बीच के हैं। वहीं भारत के कुल मरीजों में 83% मरीज 60 साल के कम उम्र के हैं, यानी 83% ऐसे मरीज हैं जो 60 साल से भी कम उम्र के हैं। इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल आया है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका क्यों पिछड़ता दिखाई दे रहा है, तो इसकी पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ के बता देता हूँ। चलो यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको इस न्यूज़ में जितनी भी डिटेल लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें लिखा है, अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आए हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, तब से इस वायरस का संक्रमण पूरे अमेरिका में फैल चुका है। आज करीब 2.75 लाख अमेरिकी नागरिकों में इस वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा चुका है। नए कोरोना वायरस से 7,000 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिकों की मौत हो चुकी है। दोस्तों नए कोरोना वायरस से कम 7,000 से ज़्यादा अमेरिकी लोग मर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों लिखा है, अगर हम ये कहें कि आज अमेरिका इस वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है तो गलत नहीं होगा। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में ये चीन के आंकड़ों से लगभग 4 गुना आगे निकल चुका है। कोरोना वायरस का प्रकोप चीन से ही शुरू हुआ था, अब अमेरिका कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित इटली और स्पेन से भी बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा है कि अभी तक उनके देश में वायरस का प्रकोप अपने उच्चतम स्तर से कई हफ्ते या यूं कहें कि कई महीने दूर है, लेकिन इस महामारी ने अमेरिकी स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इस संकट से निपटने में अमेरिका ने जो तौर तरीके अपनाए हैं उनसे अमेरिकी सिस्टम की कई खामियां उजागर हुई हैं। हालांकि इस दौरान दुनिया की इकलौती सुपर पावर की कई अच्छाइयां भी सामने आई हैं। आइए अमेरिका की इन्हीं खामियों और उपलब्धियों पर एक नज़र डालते हैं। पहला है मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति में कमी। जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रकोप अमेरिका में बढ़ा, वैसे वैसे देश के हर कोने से डॉक्टरों और अस्पतालों ने गुहार लगानी शुरू की है कि उनके पास मास्क, दस्तानों, सुरक्षा करने वाले गाउन और वेंटिलेटर्स की कमी है। खास तौर से इस महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में तो इन जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों की भारी कमी की शिकायतें आई हैं। इनसे जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मी जरूरी सामान के लिए परेशान हैं, ताकि वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज भी करें
और खुद को इसके संक्रमण से भी बचाए रखें। इसके बाद लिखा है, पर्याप्त मेडिकल संसाधन न होने की वजह से कई अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी हिफाजत के इस्तेमाल हो चुके हैं, सामनों को फिर से प्रयोग करना पड़ा या फिर उनके विकल्प के तौर पर काम चलाओ चीज़ों से काम चलाना पड़ा। वेंटिलेटर्स की कमी के कारण कई राज्यों के अधिकारी बेहद चिंतित हैं। उन्हें इस बात की फिक्र है कि कहीं हालात इतने न बिगड़ जाएं कि उन्हें वेंटिलेटर लगाने के लिए मरीजों का चुनाव करना पड़ जाए या तय करने के लिए मजबूर न होना पड़ जाए कि कैसे वेंटिलेटर लगाएं और किसे जाने दें। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वेंटिलेटर की भी अमेरिका में अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कमी है और लोग डॉक्टर्स ये सोच रहे हैं कि हम किस मरीज़ को वेंटिलेटर में रखें और किसको नहीं। तो अभी फ़िलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं आप लोगों से सिर्फ यही गुहार करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि आप लोग भी ये जानें, आप लोग भी ये सोचें एक बार ठंडे दिमाग से कि अमेरिका में जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, अगर भारत में इस तरह से कोरोना वायरस फैल जाए तो हमारा क्या होगा, सोचिए एक दफ़ा आप अच्छी तरह से। तो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आप लोग जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अगर आपको बाहर जाना है तो आप मास्क लगाएं, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज़र से धोएं और हैंड वॉश का उपयोग करें। अगर हैंड वॉश भी नहीं है तो आप गर्म पानी से भी अपने हाथ धो सकते हैं और जहाँ तक हो सके तो अगर आप राख का उपयोग अपने हाथों को धोने में करते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि राख का उपयोग पहले के ज़माने में जब हैंड वॉश साबुन नहीं थे तो लोग राख से ही अपने हाथ धोते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, यही आपसे उम्मीद करना करूँगा कि आप लोग अपने घर पर रहें, सेफ रहें, घर से बाहर न निकलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।